টিটিএডিসি প্রশাসনের আওতাধীন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্যে 1 কোটি টাকার ঘোষণা করল টিটিএডিসি প্রশাসন। তাতে টিটিএডিসির সমস্ত এমডিসি এবং তিপ্রামতার সমস্ত এমএলএদের 1 মাসের বেতন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্যে দান করা হয়। বুধবার বিকেল 3টায় মহারাজা পদ্মুত কিশোর দেববর্মার হাত ধরে টিটিএডিসি প্রশাসনের কর্মচারীগণ 51,000 টাকা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্য করার জন্য দান করেন। এদিকে মহারাজা পদ্মুত কিশোর দেববর্মা ব্যক্তিগত তরফ থেকে 10 লক্ষ টাকা দান করেন। তাছাড়া পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মা সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে 1 কোটি টাকা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্যে দান করেন। বুধবার বিকেলে টিটিএডিসি প্রশাসনের নোয়াই অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 1 গুরুত্বপূর্ণ সভা শেষে আলোচনা করেন পদ্মুত কিশোর দেববর্মা। এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন টিটিএডিসির সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, উপস্থিত ছিলেন টিটিএডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জগদীশ দেববর্মা, উপস্থিত ছিলেন তিপ্রামতা দলের চেয়ারম্যান বিজয় রাঙ্খল সহ এমডিসিগণ। आप कैसे हेल्प कर रहे हैं टीटीएडीसी तरफ से? मैंने अपने तरफ से 1 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिया है। टीटीएडीसी भी अपने तरफ से 1 करोड़ रुपया का इंतजाम कर रही है। मेरे सिस्टर ने जो एमपी है उन्होंने भी 1 करोड़ देने का प्रॉमिस किया है। वो कल शायद फंड रिलीज करा देंगे डीएम से बात करके। और एम्प्लॉयज़ ने भी अपने तरफ से डोनेट किया है। आज एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़ ने 51,000 डोनेट किया है। तो हम लोग जैसे भी करके हम लोग अपने लोगों को हेल्प करेंगे। उसके बाद आज हमने सब जोनल्स और सब जोनल्स का मीटिंग रखा और हम लोग कमेटी बना रहे हैं। आज ही कमेटी बनेगा और ये डीएम के ऑफिस के संग कोऑर्डिनेट करके मैक्सिमम बेनिफिट हमारे लोगों को जो ये फ्लड्स में, ये लैंडस्लाइड में, बारिश में जिनको अफेक्ट हुआ है सबको हेल्प करने का हम लोग कोशिश करेंगे। यही हमने पूरा किया। बहुत डैमेज हुआ है। टीटीएडीसी ने खुद असेसमेंट किया है कि अभी प्रीलिमिनरी असेसमेंट में हमारे ही टीटीएडीसी का प्रॉपर्टी का कम से कम 190 करोड़ जैसा आसपास का डैमेज हुआ है। इसमें हमने रास्ता को गिना भी नहीं है। तो अगर यही डैमेज है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक स्पेशल पैकेज करना चाहिए और त्रिपुरा में एक स्पेशल फंड और स्पेशल पैकेज देना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द टीटीएडीसी एरिया बट पूरे त्रिपुरा को भी देना चाहिए। कुछ लोग का खेत भी बर्बाद हुआ है तो इन लोगों को? हाँ, तो जब मैंने कहा कि बर्बाद हुआ है, जैसे कि बहुत जगह में क्रॉप्स अभी उनका पूरा जो डिपेंडेंसी है किसान का, फार्मर का, वो खेत में है। बहुत लोगों का रबर प्लांटेशन डैमेज हुआ है, बहुत लोगों का अरेका नट का डैमेज हुआ है। सिर्फ फ्लड से नहीं, बारिश से भी हुआ है, लैंडस्लाइड से हुआ है। तो उन सब के लिए हमने बोला है कि ये सब करिए। और बुबकरा, कुछ लोग का एक एलिगेशन था, आपने जो डोनेशन मांगा था उसमें कुछ लोग का एलिगेशन है आप बीजेपी के साथ एलियंस है एंड देन आप नहीं, सीपीएम का एलिगेशन है, कुछ लोगों का नहीं। आप नाम लेके बोलिए ना। बुबकरा, यही सीपीएम ने केरला में रुपया भेजा जब वहाँ में फ्लड हुआ। आज त्रिपुरा के लिए क्यों नहीं पैसा दे रहे? मैं तो 10 लाख अपने पॉकेट से दिया और भी दूंगा। तो कुछ लोग नहीं, आप नाम लेके बोलिए किसने ये एलिगेशन दिया। सीपीएम ने दिया। सीपीएम का नाम लेने से किसी को डर है? मैं तो ओपनली बोलता हूँ, सीपीएम ने एलिगेशन दिया। सीपीएम का एलिगेशन है कि महाराजा वीर विक्रम बेकार था। सीपीएम का एलिगेशन है कि त्रिपुरा बहुत अच्छा था, त्रिपुरा सा अमीर थे, 100% लिटरेसी था। अब जब उनका सरकार नहीं तो त्रिपुरा पूरा बर्बाद हो गया। उनके टाइम राम राज्य था, अब नरक राज्य है। सीपीएम का एलिगेशन है। सीपीएम ये बोलेगा? ये बात कांग्रेस भी नहीं बोलेगा, सिर्फ सीपीएम ही ये बात बोले। और कुछ एलिगेशन है? थैंक यू।